हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, और जो आज की अपडेट है वो HBSE बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जरूरी सूचना है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड जो दो महत्वपूर्ण नए नोटिस आए हैं आपके लिए, आपके बोर्ड परीक्षा के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा समय में कुछ बदलाव किया गया है, और बाकी जो परीक्षा के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो सब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप इस जो अपडेट है ये इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा से जुड़ी हुई है। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके लिए आपके एग्जाम से जुड़ी और जो जॉब अपडेट्स होती हैं उनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारे डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आज की बड़ी अपडेट पर। आज की जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है वो जानते हैं। देखिए, ये मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से नोटिस आया है आपके रोल नंबर से रिलेटेड। जो हरियाणा मुक्त विद्यालय सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो फ्रेश CTPO और रीअपीयर के कैंडिडेट्स हैं उसकी जो परीक्षा होनी है अप्रैल 2021 की, उसके लिए प्रवेश पत्र जो है एडमिट कार्ड है आपके रोल नंबर, वो 9 अप्रैल को दोपहर बोर्ड की वेबसाइट पर लाइव किए जा रहे हैं। तो 9 अप्रैल से ये आपके जो है लाइव हो गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुक्त विद्यालय सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के जो फ्रेश CTPO और जो रीअपीयर के परीक्षार्थी हैं वो अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछले अनुक्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये जो लिंक दिया है, मैं जो ये ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो है अपने जो अनुक्रमांक नंबर, अगर आपको रोल नंबर पता है तो वो, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सभी डिटेल्स से आप जो है इनके द्वारा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी जो है, एक और आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण की भली भांति जांच कर ले। आप अच्छे से उसको देख ले अपने रोल नंबर को, कुछ गलती तो नहीं है उसमें। यदि विवरणों में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो बोर्ड कार्यालय में 12 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आप लोग जो है किसी भी कार्य दिवस को जाकर वहाँ पर आप अपनी जो है शुद्धि करवा सकते हैं, आपकी जो भी गलती है उसको ठीक करवा सकते हैं। 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच वहाँ पर आपको जाना होगा भिवानी बोर्ड में। परीक्षा समाप्ति के बाद जो है कोई भी जो फोटो, हस्ताक्षर या फिर किसी भी अन्य तरह की जो विवरण में गलती है, त्रुटि है, उस पर जो है कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। जो परीक्षा समाप्ति से पहले आपको डेट्स दी गई हैं 12 से 15 अप्रैल के बीच, आप ये ठीक करा सकते हैं अपनी जो भी कोई गलती है आपकी एडमिट कार्ड में, रोल नंबर में। तो फ्रेंड्स, ये आपके रोल नंबर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सूचना थी, ये शेयर कर दी। अब एक और जो नया नोटिस आया वो जानते हैं। ये सभी जो छात्र हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण नोटिस आया है बोर्ड की तरफ से। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो शैक्षिक और मुक्त विद्यालय अप्रैल 2021 की परीक्षा है उसके लिए जो एक दिवसीय ये परीक्षा है, या फिर मई 2021 की परीक्षा, उसके समय में जो है बदलाव किया गया है उसके बारे में ये नोटिस आया है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो परीक्षा है अप्रैल 2021 के लिए जारी तिथि पत्र, जो आपके डेट शीट आई है उसमें जो प्रशासनिक कारणों से उसके समय में जो है कुछ बदलाव किया गया है। और ये परीक्षा जो है पहले क्या था, इसका समय जो है 12:30 से 3 बजे तक, तो अब जो चेंज कर दिया गया टाइम वो होगा आपका 11:30 से 2 बजे तक आपकी जो परीक्षा संचालित करवाई जाएगी। तो नोट करेंगे, आपका टाइम 12:30 से 3 के स्थान पर बदल दिया गया है 11:30 से 2 बजे, ओके, एक घंटा पहले का हो गया यानी आपका पेपर। तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश का जो समय है वो 11 बजे से शुरू होगा, ओके। तो जो आपका एंट्री शुरू होगी वो 11 बजे से होगी। तो ये परीक्षा के समय के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण नोटिस आया, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया वो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो होगी।
तो फ्रेंड्स, आज की इसी अपडेट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे डेली वीडियो अपडेट्स, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और हमारी डेली वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारे डेली वीडियो अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इन इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अपडेट्स और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।